एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी। अगर आपको खाने के बाद में सीने में पेट में जलन होती है, आपको खाना सही से नहीं पचता है, खाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और खाना आपका वापस से गले में आने लगता है, आपको एसिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा गैस वगैरह भी बनती है और गैस ऐसी बनती है कि आपके सर में या पेट में बहुत ज़्यादा समस्या कर देती है दोस्तों, तो इसके लिए आपको आज बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। सिर्फ 7 दिन आप इस नुस्खे को आजमा कर देखना, आपको एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी दोनों से छुटकारा मिलेगा। अक्सर गर्मियों के मौसम में जो है ना हम खाना खाते हैं ना दोस्तों, तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग जाती है बाकी टाइम की बजाय। एक तो गर्मियों के मौसम में वैसे ही खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, दूसरा जब भी हम खाना खाते हैं और ये समस्या होती है ना जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आज जो नुस्खा आपको बता रही हूँ ये आजमा कर आप सप्ताह भर देखें। हो सकता है आपने पहले बहुत सारी दवाई खाई होंगी, उन्होंने आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया होगा, ये छोटा सा नुस्खा आपको फ़ायदा दे सकता है क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों के अपनाए हुए नुस्खे हैं दोस्तों, बताए हुए नुस्खे हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यहाँ तक कि हम दवाइयाँ खाते हैं ना वो एक बार फ़ायदा करती हैं लेकिन बाद में फिर से वो हमें 2-4 दिन में समस्या पैदा कर देती हैं या फिर दवाइयों के साथ हमें दूसरी कोई समस्या हो जाती है, लेकिन ये जो नुस्खे होते हैं ना घरेलू नुस्खे ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं दोस्तों, तो आप जो है इनको अपना सकते हो। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री बता देती हूँ, आप 1 गिलास पानी ले लेना। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, 1 गिलास हमने दूध लिया है, दूध आपको यहाँ पे ठंडा लेना है। डायरेक्ट अगर आप कच्चा दूध नहीं लेना चाहते हैं तो दूध को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना और उसके बाद में दूध को रख देना, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर का आए तो उसे आप फ्रीज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, जिससे कि वो ठंडा हो जाए, फिर आप इसका इस्तेमाल करना। इनके साथ में आपको जो है अगली जो चीज़ लेनी है वो है हमारे पास सीटा मिश्री दोस्तों। मिश्री जो होती है इसकी तासीर ठंडी होती है, जिनको भी पेट में गर्मी बढ़ जाती है या जिनको गैस की शिकायत होती है, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है ये मिश्री दोस्तों। और देसी नुस्खों में, घरेलू नुस्खों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। तो आप जो है ना इस नुस्खे के लिए एक बार मिश्री ले आए, कम से कम आप 250 ग्राम मिश्री ले आए, जिससे कि आप 7 दिन इस नुस्खे को कंप्लीट कर पाए। पानी जो लेंगे आप वो भी आपको ठंडा लेना है, मटके का या फिर हल्का फुल्का फ्रिज में रखा हुआ। दूध लेंगे वो भी आपको ठंडा लेना है जैसे मैंने बताया। इनके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मिश्री आप ले रहे हैं इसका पाउडर बना के रख लेना है, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना अच्छे से ठोक कर किसी वस्तु से, और फिर ग्राइंडर जार में पीस कर आप इसे एक डब्बे में भरकर रख लेना और फिर रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल कर लेना। इस्तेमाल का जो तरीका है वो ऐसे रहेगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया, दूध को बॉईल करके ठंडा करके फ्रीज में रख लेना है और मिश्री का आपको पाउडर बना लेना है। अब जो हमने दूध और पानी दो चीज़ ली है ना, ये इसलिए ली है कि अगर आपको दूध सूट होता है तो आप इसे दूध में ले सकते हैं, और अगर आपको दूध सूट नहीं होता है, क्योंकि जिनको एसिडिटी वगैरह की शिकायत होती है ना तो दूध पीने से भी उनको दिक्कत होती है, तो वो क्या करेंगे, इसको पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूध सूट होता है ना तो दूध में लेना, इसमें और भी ज़्यादा फायदा करता है, आपको जल्दी फायदा करता है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको 1 से 1.5 चम्मच मिश्री का पाउडर डालना है ठंडे दूध में, उसको अच्छे से मिला लेना है। ये आपकी शरीर की जो कमजोरी होती है ना दोस्तों उसको भी हटाता है, दूध में मिश्री मिलाकर आप लेते हैं ना तो ये आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी भी हटाता है, और साथ की साथ जिनको एसिडिटी हाइपर एसिडिटी है ना उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। 1 चम्मच मिश्री 1 से 1.5 चम्मच ठंडे दूध में मिलाकर आपको ले लेना है, ये सुबह खाली पेट आप ले सकते हो, जिनको दूध नहीं लेना है वो पानी में ले सकते हैं, 2 बार लेना इसको सुबह शाम, आप बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगली जो चीज़ हम ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं दोस्तों सौंफ, जो मुख वाश के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वो सौंफ आपको लेनी है, बारीक वाली हरी सौंफ जिसको खाने के बाद में होटल वगैरह में भी देते हैं खाने के लिए, वो वाली सौंफ आपको लाकर रख लेनी है। ये भी आप 250 ग्राम लेकर आ जाएं, और एक दिन में आप जिनको एसिडिटी हाइपर एसिडिटी है ना उनको दिन में कम से कम 2 से 3 चम्मच सौंफ खानी है। खाने का जो तरीका रहेगा ना वो इस तरह से रहेगा
कि आप जब भी खाना खाते हैं, सुबह या दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद में एक चम्मच सौंफ मुंह में लेकर आपको अच्छे से चबाकर खानी है। शाम को जब आप खाना खाते हैं, एक से डेढ़ चम्मच सौंफ आपको तब चबाकर खानी है। अगर आप अकेली सौंफ नहीं चबा पाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट हल्का सा कसीला होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, मैं इसमें मीठा मिलाकर कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप फीकी खा सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें भी थोड़ी सी मिश्री आपको यही लेनी है, सीटा मिश्री, जो खड़ी मिश्री आती है, टुकड़ों में तोड़कर इसको सौंफ के अंदर मिलाकर भी रख सकते हो, दोनों को अलग अलग डब्बे में भी रख सकते हो, जिससे जिसको जैसी खानी हो घर में सदस्य को, वो उस तरीके से खा ले, क्योंकि एक बार मिलाकर रख देते हैं तो वो मीठे के साथ में ही खानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी को फीकी पसंद होती है, किसी को मीठे के साथ पसंद होती है, तो आप अलग अलग इनको रख लेना और रोज़ाना इसका डेली इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि आज आपने खा ली, दो दिन नहीं खाई, फिर आप बोले फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं, आप कंटिन्यू करके देखना दोस्तों। ये आजमाए हुए जो नुस्खे हैं ना, घरेलू नुस्खे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बिल्कुल ये समझिए कि 7 दिन में आपको इनका असर नज़र आने लगेगा। और अगर आप सौंफ वाला नुस्खा इस तरह का है, आप हमेशा इसे अपना सकते हो। जिनको समस्या हो जाती है ना, उनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं, काम भी हमारा ऐसा ही रहता है कि बैठ के ज़्यादा करना पड़ता है, हम वॉक के लिए नहीं जा पाते हैं, टहलने के लिए नहीं जा पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने लिए इस तरह का टाइम नहीं निकालते हैं, तो ये समस्या होती होती है। तो आप इस तरीके से थोड़े से छोटे छोटे नुस्खे अपना कर जो है ना, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद में टहलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें 15-20 मिनट खाने के बाद में, तो ज़रूर टहलें, और साथ में आप ये सौंफ वाला नुस्खा ज़रूर आजमाएं। जो दूध वाला नुस्खा है मैंने बताया आपको, ये आप कुछ दिन कर लेना, महीने भर कर लेना, लेकिन उसके बाद में आप जो है ना सौंफ वाला नुस्खा कंटिन्यू करना कुछ टाइम के लिए दोस्तों। और हमेशा भी करते हैं तो आपको फ़ायदा ही देता है, ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। सौंफ आपकी स्किन के लिए, अड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और दिमाग के लिए, शारीरिक कमजोरी के लिए और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण बताई गई है दोस्तों, आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास आंवला का जूस है। अगर ताज़ा आंवले आपको मिलते हैं तो कुछ दिन आप जो है ताज़ा आंवले लाकर रोज़ाना एक आंवले का रस उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर आप पी सकते हो, या फिर थोड़ा सा पानी मिलाकर ले सकते हो। जिनको मीठा नहीं लेना है तो आप मीठा स्किप कर दें, जैसे दूध वाला नुस्खा अपना रहे हैं तो सिर्फ आप ठंडा दूध ले सकते हो। मिश्री अगर आप ये सौंफ वाला नुस्खा आजमा सकते हो तो सिर्फ आप सौंफ ले सकते हो। इस तरीके से आप लगातार कर सकते हो, 7 दिन में आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।